कैसी है यार ये का तीनों सीजन तो काफी हिट रहा और लोगों को काफी पसंद भी आया है। और अब वूट लाए है कैसी है यारिया का फोर्थ सीजन। जी हाँ, आपने सही सुना, कैसी है यारिया का फोर्थ सीजन अब वूट पर ही देख पाएंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं इस सीरीज के लीड पेयर से, निटी टेलर और पार्थ सरमतान से। तो सर आप बताइए कि कैसी है यारिया का आप चौथा सीजन लेके आए हैं तो किस तरह से ये खास होगा? Yes, we are back with season 4 on Voot this time, and like always, we are very excited. We weren't expecting, to be honest, but it's because of you guys that we are back. बहुत rarely ऐसा होता है कि fan power की वजह से या public demand की वजह से show बनाया जाता है, तो हम लोग we are grateful to you guys that we are back because of you. 8 साल हो गए इस सीरीज को, आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? 8 साल हो गए हैं और 4 साल के बाद सीजन 4 बना है और ये सब आपकी दुआओं की वजह से है एंड आपकी ट्वीट्स और पोस्ट और ट्रेंड्स की वजह से, सो थैंक यू ऑल सो मच फर्स्टली। तो एंड अच्छा लग रहा है कि आप इतने बड़े शो के साथ आप जुड़े हुए हो और आपके कैरेक्टर्स इतने जाने माने हैं कि सबको पता है हमारे बारे में, तो आप इतना कनेक्ट भी करते हो, तो अच्छा लगता है ये शो करना एंड आप सबका प्यार पाना। अब बताइए कि ये सीजन किस तरह से डिफरेंट होगा? हर सीजन डिफरेंट ही होता है, तो ये सीजन भी बहुत ही डिफरेंट है एंड जो आपने ट्रेलर में देखा है ये तो बस एक छोटा सा क्या बोलते हैं झलक है, टीजर है, और पूरी पिक्चर देखना बाकी है। और इस बार सीजन में 16 एपिसोड्स हैं, तो काफी कुछ देखने को मिलेगा आपको, बजाय सिर्फ हम ही नहीं ताकि न्यू कास्ट भी है और न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू कैंपस है, न्यू कॉलेज है, और लेकिन पैशन वही है, लव वही है और रोमांस बहुत ज्यादा होगा और फ्रेंडशिप भी वही है जी, और नए नए गाने भी है जो बहुत नए गाने हैं, फ्रेश सॉन्ग्स हैं, अखिल ने बहुत अच्छे से गाया है एंड वी हैव सम ओरिजिनल म्यूजिक एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। बहुत सारा मजा। यस, 4 साल के बाद ये सीजन आ रहा है, फैंस ने काफ़ी ट्वीट्स किए थे, पोस्ट किए थे और कमेंट्स किए थे, कोई इंटरेस्टिंग कमेंट जो आपको याद है? बहुत इंटरेस्टिंग, एक नहीं था इनफैक्ट, क्योंकि ताजुब की बात ये थी कि 4 साल में भी लोगों ने हर बर्थडे पे या हर यारिया का कोई स्पेशल कोई ओकेशन है, फॉर एग्जांपल यारिया फर्स्ट बार कब टेलीकास्ट हुआ था तो उसकी भी वो लोग उसको भी वो लोग ट्रेंड कर रहे थे, तो उससे आपको पता चलता है कि इसकी फैन पावर कितनी स्ट्रांग थी। एंड लाइक आई सेड कि ये शो जो वापस आ रहा है ये बिकॉज ऑफ पब्लिक डिमांड, लोगों ने इतना पसंद किया इस शो को, इसलिए वी आर फॉर्चुनेट इनाफ कि हम इसका हिस्सा है और हमने हमारी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई है, सो वी आर जस्ट हैप्पी एंड एक्साइटेड कि यस वी आर बैक एंड देखने को बनता है। अब हम नर्वस है क्योंकि लोगों को पसंद भी आना चाहिए, सो यस वी होप दैट यू गाइस लाइक इट। जैसे कि आपने मेंशन किया कि काज भी नई है, नए लोग आए हुए हैं, तो किस तरह से बॉन्ड बना है ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन में, और कंफर्ट जोन की बात करें तो कैसे आपने एक दूसरे की हेल्प की है? आई थिंक जब नई कास्ट आई तो हम बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज हमारे लिए ये था कि अरे नए लोग आए हमारे शो में, तो फ्रेशर्स है रैगिंग नहीं हुई एक चीज़ है इस सीजन में, लेकिन बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके एंड फ्रेश लोग हैं एंड उनकी भी फ्रेशेस्ट चीज़ें होती है, सो यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम, दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू एंड अभी हम ऐसे हो गए ना एक्सपर्ट कि हमें पता है क्या है, और हम तो फाइव के साथ कंपेयर कर रहे थे और ये कि ये ऐसा है वैसा है, सो इट वॉज नाइस। और नीति ने बहुत रील्स भी, मैंने भी तो बहुत रील्स बनाए, बहुत रील्स बनाए, मैं अच्छी दोस्ती करती हूँ। कैसी ये यारिया के अलावा बात करें तो आपका कौन सा नया प्रोजेक्ट आने वाला है? प्रोजेक्ट मैं तो जा रही हूँ छुट्टी, बिकॉज मेरा बहुत हो गया थोड़े टाइम तक, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मैं जा रही छुट्टी और फिर वेल यस अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे कि मैं कहता आ रहा हूँ, मेरा एक शो आ रहा है नेटफ्लिक्स पे कॉल्ड सोशल करेंसी और उसी के साथ साथ मेरी फिल्म आ रही है अगले साल कॉल्ड घुलचड़ी, सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड और नए नए म्यूजिक वीडियोस तो आते रहेंगे जो आपको नीति अपडेट करती रहेगी। शूट की बात करें तो आपने शूट पे कितना एंजॉय किया है, कोई फन मोमेंट आपको याद है? शूट के दौरान बहुत सारे फन मोमेंट्स रहे, स्पेशली गोवा में जहाँ पे हमने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, जो कि प्रीवियस सीजन में बहुत कम दफा पर हुआ है क्योंकि हम लोग इतने बिजी थे हमारे खुद की जिंदगी में, तो इस बार हमें आउटडोर शूट पहली बार हुआ तो बहुत मजा आया। और गोवा जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि हर जगह लेके गए हमें। तो मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मैं बहुत नए नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करता हूँ, नई नई डिशेस ट्राई करता हूँ और मुझे खाने से बहुत प्यार है, तो आई जस्ट मेक श्योर कि एवरीवन सब लोग मेरे आसपास भी खुश रहे, वो वही सेम स्वाद चखे जो मैं चखता हूँ।
हमने बहुत खाना खाया। नोकझोंक हुई कभी आपके बीच में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट कभी नहीं, और वी आर वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा शूट रहा, एंड स्पेशली सीजन 4 बहुत अच्छा रहा, बहुत हैप्पी स्पेस में रहा और बहुत लंबा भी रहा जो कि अच्छा रहा हमारे लिए। पिछले सीजन में आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट दिखे थे, तो इस सीजन में क्या खास देखने को मिलेगा? इस सीजन में हम लोग जैसे कि प्रिंसिपल आए जी हाँ, से प्रिंसिपल प्रमोट हो गए वो। जी हाँ, तो नहीं काफी, इतना भी बड़ा नहीं, यंग प्रिंसिपल है। और उसी के साथ साथ जैसे कि 4 साल बाद ये शो आ रहा है, तो मानिक और नंदिनी की ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव आया है, जैसे कि वो आगे आगे की पड़ाव जो होती है, जो बेसिकली रिलेशनशिप, लिव इन, मैरिजेस, शादी को लेकर क्या टॉपिक, क्या डिस्कशन होगा, क्या नोकझोंक होगी, उसके सिलसिले में ये सीजन 4 जो बना है और आप जो देखोगे, और आप देखोगे ना ही सिर्फ मानिक और नंदिनी जो एक मैच्योर कपल है, बल्कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जो यारिया सीजन 1 में हमारे बीच था, हाँ। वो भी आपको देखने को मिला। तो साइड बाय साइड पैरेलली देयर आर लाइक 3-4 स्टोरीज गोइंग ऑन। पर जो यंगस्टर आपके फैन हैं, आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे? आई गेस वो लोग बहुत कुछ सीख चुके ऑलरेडी शो देखकर। हां, हमें टिप्स देने की जरूरत ही नहीं है, वो आई थिंक हमें टिप्स देंगे। या स्पेशली लड़कियां देखकर यही, दे वांट अ गाय लाइक मानिक ऑलवेज, सो दे फील के, इनफैक्ट मुझे बहुत लड़कों के बॉयफ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं कि यार तुमने ऐसा क्या किया शो में, मैंने तुम्हारा शो नहीं देखा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है मुझे तुम जैसा बनना चाहिए। तो या दैट इज क्वाइट मोटिवेटिंग एंड अ फील गुड फैक्टर कि यस गर्ल्स लाइक योर शो, लव योर शो एंड लव द केमिस्ट्री बिटवीन मानिक एंड नंदिनी। आप बताइए, आपका ये जो सीजन 4 है ये 4 साल के बाद आया है, तो सीजन 5 कितने साल के बाद आएगा? ये आप पूछिए वूड, या ये सवाल सीजन 5 के बारे में हम पूछेंगे वूड को, जब भी सीजन 4 का जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके बदौलत। अभी वो फैन से आप क्या अपील कर रहे हैं कि 2 दिसंबर को कैसी यारिया सीजन 4 आ रहा है, सो प्लीज देखिए वोट पे, आपका प्यार ऐसे ही हम पे बरसाते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। सो सीजन 4 और 2 दिसंबर वोट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्थ और नीति दोनों ही अपने फैंस से मिले और उन्हें ऑटोग्राफ दिया और उनके साथ फोटो भी खिंचाई। देखिए ये वीडियो। आपका क्या कहना है इस शो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।